कल तक जो खेसारी के फैन थे आज वो पवन सिंह के कायल हो चुके हैं। हम बात ज़ोया खान की कर रहे हैं। जी हाँ, अभिनेत्री ज़ोया खान, मॉडल ज़ोया खान। और आपको बता दें कि ये खेसारी लाल यादव की डाई हार्ट फैन थी और आजकल पवन सिंह के कारनामों की ये दीवानी हो चुकी हैं। तो अब आप ये जानना चाहते होंगे कि भाई ऐसा क्या किया ज़ोया ने। तो हम आपको बता दें कि पवन सिंह तो आए दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं, धमाल करते हैं, बवाल करते हैं, कमाल करते हैं। ज़ोया ने जो किया है पवन सिंह के लिए, पवन सिंह का जो सॉन्ग बारिश बन जाना आ रहा है उसके लिए लोगों से अपील की है कि इस गाने को ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री जिसका ग्रेड लगातार गिर रहा था, पवन सिंह कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे भोजपुरी इंडस्ट्री लोगों के लिए एक नई रोशनी, नई चीज़ लेकर आ रही है, लोगों के निगाह में उठ रही है। वैसे आप ये यहाँ बेधड़क कह सकते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए सिर्फ इस वक्त इकलौते पवन सिंह ऐसे हैं जो बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। और अब तो वो वेब सीरीज़ में भी आ रहे हैं हिंदी के, ताकि भोजपुरी का नाम बढ़े। भोजपुरी के इकलौते ऐसे स्टार हैं पवन सिंह जो किसी भी मंच पर जाते हैं तो दहाड़ कर बंदा कहता है कि वो भोजपुरिया कलाकार है। और तो और आपको ये भी बता दें कि ज़ोया के अलावा भोजपुरी में ऐसी कई मॉडल हैं जिनको कल भोजपुरी के सबसे बड़े गाने बारिश बन जा का इंतज़ार है। जी हाँ, बारिश बन जाना जो गाना है जो भोजपुरी में आ रहा है, इसका इंतज़ार इसलिए लोग कर रहे हैं क्योंकि इस गाने ने जो गदर हिंदी में मचाया है, आप उसके व्यूज़ देख लीजिए, 2.5 मिलियन व्यूज़ सिर्फ एक महीने में है उस गाने के लिए। अगर पायल देव जैसे सिंगर ने सिर्फ पवन सिंह को चुना है, खेसारी और निरहुआ जैसे सिंगरों को नहीं चुना है, तो कोई ना कोई बात तो ज़रूर रही होगी, क्योंकि पवन की आवाज़ के आगे आज भोजपुरी इंडस्ट्री में ना दिनेश लाल यादव निरहुआ की आवाज़ है और ना ही खेसारी लाल यादव की आवाज़ है। ये अनडाउटली कहा जा सकता है कि पवन की आवाज़ में साक्षात सरस्वती का वास है। और अब भोजपुरी इंडस्ट्री में उनके जो विरोधी थे वो भी उन्हें सपोर्ट करने लगे हैं। क्या कहेंगे आप इसके बारे में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और जाते जाते एक बात और, 11 बजे कल आपको क्या देखना है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए।